हेलो फ्रेंड्स, चारों मात्र रसोई में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम एक और नई रेसिपी लेके आए हैं, सो आइए देख लेते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम थोड़ा अपना देसी घी ऐड करेंगे। हमने ये एक चौथाई कटोरी जितना देसी घी इसमें ऐड कर दिया है। इसे थोड़ा मेल्ट होने देते हैं पहले। जैसे हमारा देसी घी हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, हमने ये गोंद ली हुई है। ये हमारी 125 ग्राम क्वांटिटी में गोंद है, खाने वाली गोंद आती है वही है। इस तरीके से आप देखेंगे मार्केट में, आपको बाजार में आराम से पंसारी की दुकान पे, ग्रोसरी शॉप्स में मिल जाएगी। तो इसे हम इसमें डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करते हुए, और इसे डालेंगे तो जैसे ही आप इसको, ये तुरंत से फूलने लग जाएगी आप देखेंगे कढ़ाई में ऐड करने के बाद। इसी तरीके से हमें अपनी सारी क्वांटिटी गोंद की फुला के अपनी तैयार करके रख लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से आप देखेंगे गोंद हमारी अच्छे से ये फूल के आ जाएगी। इसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे। इसी तरीके से अपनी बची हुई गोंद को भी हमें फ्राई कर लेना है। तरीके से सारी गोंद को हमने अपनी भून के तैयार करके निकाल के एक प्लेट में रख लेना है। जब ये हल्की सी हमारी ठंडी हो जाएगी तब हम इसको पीस लेंगे मिक्सी में, या फिर आप इसको मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, या हाथ से भी आप क्रम्बल करेंगे तो हाथ से आराम से आपकी वो टूट जाएगी। अब हमारा जो बचा हुआ घी है, इसी में हम कुछ अपने ड्राई फ्रूट्स लेंगे, उनको हल्का हल्का भून लेंगे। ये हमने 2 टेबल स्पून जितने बादाम लिए हैं, 2 टेबल स्पून काजू है, 2 टेबल स्पून ही पिस्ता है, किशमिश है, और ये वाइट पेपर है। वाइट पेपर को छोड़ के बाकी तीनों चीज़ें, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा इसे हमें भून लेना है। बस ये हमारा, आप देखेंगे हल्का सा कलर आ जाएगा काजुओं पे, और हल्की सी आपको महक आने लगेगी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होने की, भुनने की। तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हमने अपने 1 कटोरी मखानी लिए हुए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। उन्हें भी हमें जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं तब तक भून लेना है। इन्हें हम सिम गैस पे अच्छे से रोस्ट होने देते हैं। हमने अब ये एक गोला लिया हुआ है, सूखा वाला जो हमारा नारियल आता है वो हमने लिया हुआ है। इसको हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जिससे कि हम इसको मिक्सी में चला के इसका एक बुरादा बूरा बना के हम इसका तैयार कर सकें। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसे मिक्सी में चलाएंगे तो आराम से आपके छोटे छोटे पीसेस जो हैं पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पूरे अपने गोले को, सूखे को हम कट कर लेते हैं। ये हमारा 150 ग्राम की क्वांटिटी का एक छोटा साइज का नारियल है। इस तरीके से चंक्स में हमने कट कर लिया है, और अब इसे ग्राइंडिंग जार में ऐड करते हुए इसका हम बुरादा बना के तैयार कर लेते हैं। आप चाहें जो मार्केट में बुरादा आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जन्माष्टमी में जब हम किशन जी के लिए भोग बनाते हैं, पंचमेवा पाक बनाते हैं, या फिर तो उसमें इस तरीके से सूखे नारियल का ही हम लोग यूज़ करते हैं। चला लेते हैं इसे एक बार। इधर हमारे ये देखेंगे आप मखाने भी अच्छे से, आप देखेंगे भुन चुके हैं, काफ़ी अच्छा इस पर कलर आ चुका है। एक मखाने को उठा के आप देखेंगे और हाथ से इस तरीके से देखेंगे चूरा हो रहा है। इट मीन्स ये आपका परफेक्टली भून चुका है, रोस्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। इस तरीके से हमारे नारियल का आप देखेंगे बुरादा आराम से बनके तैयार हो गया है। इसे एक साइड में रखेंगे, और जो हमारी ये गोंद है इसको भी हमें पीस लेना है। सो हम अपने इसी सेम मिक्सी के जार में इसे डाल देंगे और इसको हम क्रश कर लेंगे। 2 बैचेस में करके हम इसको क्रश कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी, हमने गोंद को भी पीस लिया है। अब जो हमने अपने मखाने भून के रखे हैं वो हल्के से हमारे ठंडे हो चुके हैं, उन्हें भी हम इसमें डाल देंगे और पल्स मोड में जस्ट 1 या 2 बार चलाएंगे, जिससे कि हमारे दरदरे से पिस जाएंगे। फाइन पाउडर नहीं करना है हमें, इसको हमें पल्स मोड में ही चला के दरदरा पीस लेना है। इस तरीके से आप देखेंगे दरदरा ये भी हमारा पीस के तैयार हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखे हैं, आप चाहें इसे हाथ से कट करना, छोटे छोटा आप कट कर सकते हैं, या फिर जो बादाम, काजू है और पिस्ता है उसको भी आप पल्स मोड में चला के पीस लीजिएगा। साथ में जो हमने व्हाइट पेपर ली हुई है उसको भी इसमें ही ऐड कर देंगे। किशमिश मैं नहीं पीस रही हूँ, किशमिश को चाहे आप ऐसे ही डाल दीजिएगा, लेकिन बादाम है, काजू है, पिस्ता है, या कोई और आप ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं सो उसे इस तरीके से फाइन चॉप कर लीजिएगा हाथ से, या फिर पल्स मोड में चला लेंगे सो आपका उसी तरीके से वो कट के बाहर आएगा। चॉपर हो आप चॉपर में भी कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट कटर भी आता है सो उसमें भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा। पीस लेते हैं, ये भी इसमें ऐड निकाल के रख लेते हैं एक प्लेट में ही। इस तरीके से सारे चीज़ें हमारी जो पीसने की थी भून के, वो हमारा सारा तैयार हो चुका है। अब आइए हम बनाएंगे चाशनी, तो हम उसके लिए गैस की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें अपनी चाशनी बनाएंगे, उसके लिए हमने 1.5 कटोरी चीनी ली हुई है। सामान हमारा ज़्यादा है सो उस हिसाब से हमने ये 1.5 कटोरी चीनी लेंगे, और उसमें 3/4 कटोरी जितना पानी ऐड करेंगे। चाशनी अपनी मेल्ट होने देते हैं, और हमें इसके लिए एक तार की चिपचिपी वाली चाशनी चाहिए। सो जब तक हमारी चाशनी एक तार की बनके तैयार नहीं होती है तब तक हम इसे कुक करेंगे। इसमें लगभग कुक करने में 7 से 8 मिनट का हमें समय लग जाएगा, तो इसे कुक होने देते हैं। 1/4 छोटी चम्मच जितना इलायची पाउडर लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे।
ये देखिए इस तरीके से थोड़ी देर और कुक करने के बाद आप स्पैटुला से बीच अब लास्ट की जो ड्रॉप गिर रही हैं आप उसमें देखेंगे लंबी सी तार की तरह दिख रही है गिरती हुई। इट मीन्स हमारी चाशनी में एक तार की कंसिस्टेंसी आ चुकी है। और दूसरी तरीके से आप थोड़ा सा हाथ पे चाशनी को लेके देखिएगा और इस तरीके से अगर आपकी उंगलियों के बीच में रखते हुए बीच में से उसमें तार आ रहा है ये देखेंगे आप। सो हमारी ये चाशनी बनके तैयार है। अब इसमें हम अपना धीरे धीरे करते हुए हमने जो सामान सारा अपना पीस के रखा है वो ऐड करेंगे। मखाने का पाउडर डालेंगे सबसे पहले, नारियल का बुरादा, ड्राई फ्रूट वाले हमने जो पाउडर अपना बना के रखा है और किशमिश। जो गोंद हमने अपनी पीस के रखी हुई है उसे इसमें ऐड करेंगे। मींगे ली थी वो रह गई थी मेरी पहले भूनने से, तो मैंने ये एक चौथाई कटोरी जितनी खरबूजे के बीज आते हैं वो लिए हुए हैं वो इसमें हमें ऐड कर देना है। मैंने उसको हल्के से घी में डाल के इस तरीके से भून लिया था। सब चीज़ों को अपने हमें मिक्स कर देना है इस तरीके से। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो इसे हम सेट होने के लिए थाली या परात में लगाते हैं। हमने ये परात ली है, इसको हल्के से घी से हम ग्रीस कर लेंगे और हमारा जो सारा मिश्रण है उसको इसमें निकाल लेंगे। इसको एक शेप दे लेंगे निकालने के बाद। एकदम पतली मत कीजिएगा नीचे से, वरना फिर वो बिल्कुल हमारी जब हम इसके पीसेस निकालेंगे तो उसमें हमारी वो टूट भी जाएगी। तो हल्की सी थिकनेस आपको इसकी मेंटेन रखनी है। एक सार करते हुए इसे हम रख देंगे। लगभग हमें इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है सेट होने के लिए। जब ये हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी तब हम इसके पीसेस को कट करेंगे। ठीक है सर, हमने अपनी कतली को जमाने के लिए रख दिया था और 3 से 4 घंटे हमारे इसको सेट होते हुए हो चुके हैं। सो इसको एक बार ही आइए कट कर लेते हैं इस तरीके से। अगर आपको लगता है ज़्यादा हार्ड है तो आप इसे हल्का सा गैस पे रख के भी गर्म कर सकते हैं। पहले इस तरीके से हम इसमें लाइंस बना लेते हैं। इस तरीके से निकाल के कट करके पीसेस को प्लेट में हम अलग अलग रखते जाएंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारे सारे पीसेस बनके तैयार हो गए हैं इस तरीके से। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ नारियल और मींगो का बनाया था, उसमें हमने मखाने और अदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए थे, लेकिन ये सिर्फ नारियल और मींगो की हमने एक और कतली जमा के तैयार करी थी सेम प्रोसेस से ही। तो इसे भी हम कट कर लेते हैं। मैं भी हमने 1 कप चीनी ली थी क्योंकि सामान थोड़ा था और 1/2 कप पानी लेके 1 तार की चाशनी बनाई थी और सेम प्रोसेस से बॉयल होने तक 1 तार की जब चाशनी बन गई थी उसमें सारा सामान मींगे और नारियल हमने कट करके ऐड कर दिया था। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये भी हमारी एकदम परफेक्टली बनके तैयार हुई है। और ये हमारी मेवा पाक है, ड्राई फ्रूट की बर्फी है। ये देखिए अंदर से भी सॉफ्ट है और आराम से हमारी बनके अच्छे से तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग ये जन्माष्टमी पे हनुमान जी को भोग लगाने के लिए इस तरीके से ये कतली जमा के तैयार कीजिएगा। सो इस तरीके से आप लोग ये रेसिपी बना के ट्राई करेंगे, काफ़ी अच्छी और टेस्टी आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। जो टिप्स मैंने इसमें दी हैं उनको भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।